दोस्तों वैदिक गणित के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें 21 और 31 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं इन दोनों नंबर्स की पहली डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद मैं इन दोनों नंबर्स की लास्ट डिजिट अर्थात 1 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 × 1 होगा 1। इस 1 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब हम इस 6 और 1 के बीच एक डैश लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह होगा 2। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह होगा 3, और 2 + 3 होगा 5। इस 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 651। तो 21 × 31 इज इक्वल टू 651। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हमें 42 और 63 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पहली डिजिट है 4 और यहाँ पर 6, तो 4 × 6 होगा 24। 24 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स की लास्ट डिजिट अर्थात 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 होगा 6। इस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 24 और 6 के बीच हमें एक डैश लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस 3 को 4 से और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 12 और ये 12, तो 12 + 12 होगा 24। दोस्तों इस 24 को हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक सिंगल डिजिट ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 24 से इस 4 को यहाँ पर और इस 2 को कैरी चला देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2646, अर्थात 42 × 63 इज इक्वल टू 2646। तो ये थे वो ट्रिक जिनकी मदद से आप किसी भी टू डिजिट नंबर को बड़े ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम वैदिक गणित के सभी सूत्र और उपसूत्र से संपर्कित कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वैदिक गणित के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।